नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टेक टॉक में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे निस के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग निस है और जिसे आप यूज कर पर डे का मिनिमम $100 अर्न कर सकते हो। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपके लिए मैं इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। चलिए अब हम बात करते हैं उस निश के बारे में। कुछ वेबसाइट्स दिखाऊंगा, ये देखिए, ये है ऑडिशन फॉर्म। इस पे आप एक यह वेबसाइट है, दूसरा है serialsupdate.com.me, तीसरा है ये एक वेबसाइट और चौथा है ये टेलीबेस्ट। तो इन सारे साइट्स में क्या कॉमन आपको नज़र आ रहा है? दोस्तों, कॉमन एक चीज़ है, वो है सीरियल्स जो हमारे पास, जो हमारे डिफरेंट चैनल्स सोनी पे, स्टार प्लस पे, जी टीवी पे, इन सब पे जो सीरियल्स आते हैं उनके अपडेट्स जो आते हैं वो अपडेट्स ये लोग पब्लिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वही एक ऐसा निस है जिस पे आपको कंटेंट की ज़रूरत नहीं, कभी भी कंटेंट खुद से एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको बना बनाया हुआ कंटेंट मिल जा रहा है, सिर्फ आपको अपने वर्ड में लिखना है, ईजी वर्ड में लिखना है। आपको अपने एक वेबसाइट, सबसे पहले आपको एक ऐसा डोमेन लेना है जैसे रिडंडेंट एंटरटेनमेंट हो गया या फिर ऑडिशन फॉर्म हो गया, ये ऐसा डोमेन लेना है जिससे कि ईजिली ये अंडरस्टैंडेबल हो कि आप इस पर्टिकुलर निश पे ही कंटेंट लिखने वाले हैं। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी सीजन 3 ये देख सकते हो, बिग बॉस विनर, नेम ऑफ ऑल सीजन, यहाँ पे तो ये सारे जो हैं बहुत ही ज़्यादा सर्चेबल होते हैं दोस्तों। ये ऐसे कंटेंट है, बहुत लोग सर्च करते हैं और इजीली इस कंटेंट को आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, ये कंटेंट ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। आपको रिफ्रेश करना होता है, रीट्विक करना होता है, और सबसे पहले आप अगर कंटेंट वो डाल देते हो अपने वेबसाइट पे तो आपको वो रैंकिंग में आने का चांस रहेगा और आप वहाँ से विजिटर्स बहुत सारे आएंगे। चलिए अब इसका हम डिटेल देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला मैं एक serialsupdate.me जो वेबसाइट है उसके बारे में देख रहा हूँ। दोस्तों, ये आप देख सकते हो, सबसे पहले अगर ओवरव्यू पे जाते हैं, ahref टूल जो है, मैं इस पे जाके ओवरव्यू पे जा रहा हूँ। ओवरव्यू पे आप देखोगे दोस्तों कि इनका 3.19k बैकलिंक्स है और DR जो है डोमेन रेटिंग बहुत ही लो है, 1.5 है। बट इतने कम DR में भी कितना वेबसाइट ट्रैफिक आ रहा है दोस्तों, 73.9k, यानी कि 73,000 विजिटर्स जो है इन अ मंथ आ रहे हैं। और यह वेबसाइट जो है रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हो कि जुलाई में कोई भी विजिटर्स नहीं था इनके पास, सितंबर अक्टूबर 19 में 16 से लेके अचानक जो विजिटर्स ग्रो हुआ ये अक्टूबर 2020 के बाद, ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइक हुआ। तो इन सारे सीजन में केवल एक साल के अंदर में इन्होंने मेहनत किया है, बहुत ही अच्छा ये मेहनत किया इन्होंने और अच्छा ग्रो हुआ दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स जो है 38,000 कीवर्ड्स अभी रैंक कर रहे हैं, इनका वैल्यू जो है $2,741 का वैल्यू है इस वेबसाइट का। यहाँ से आप कॉम्पिटिटर्स भी देख सकते हो, इनका इंडिया का जो कॉम्पिटिटर्स है वही सेम कॉम्पिटिटर्स, ऑडिशन फॉर्म, टेली बेस्ड, रिडंडेंट एंटरटेनमेंट, विकी विकी डॉट इन, ये सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। ये लोग पेड कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं देखता हूँ कि सर्च वॉल्यूम इस पे, इस सर्च वॉल्यूम पे मैडम सर कास्ट, इस सर्च वॉल्यूम पे इसका सर्च वॉल्यूम 20K है और इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे है इनका ट्रैफिक। इस पर्टिकुलर कीवर्ड से केवल ट्रैफिक आ रहा है 7,354। तो ऐसे ही पेजेस आप इनके जो डिटेल में और जाओगे, ये देखो जब मैं डिटेल में जा रहा हूँ यहाँ पे सारे डिटेल्स मिल जाएंगे अपने को, पेज वाइज स्टार प्लस, विजय टीवी, बिग बॉस, ये स्प्लिट्स विला, ये सारे डिटेल्स आप मिल जाएंगे। टॉप कीवर्ड्स कौन कौन से, कमला हैरिस हाइट्स, स्टार प्लस, सीरियल अपडेट, ऐसे ऐसे कीवर्ड्स है जहाँ जिसका जिस पे इन लोगों का इनका पोजीशन क्या है, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है। तो दोस्तों ऐसे कीवर्ड्स पे इनका जो सर्च वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम जो 11,000, 10,000, 22,000 ऐसे सर्च वॉल्यूम है और इस पे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है, तो इससे अपने को पता चल जाएगा कि कैसे कीवर्ड्स पे ये लोग रैंक कर रहे हैं, इनका कंटेंट कैसा है। यहाँ से आप कंटेंट देख सकते हो। चलिए एक एक कीवर्ड मैं लेता हूँ,
जो यहाँ पे इन्होंने दिया था मैडम सर कास्ट का, जैसे यहाँ पे मैं वो कीवर्ड डालता हूँ, अब ये देखो मैडम सर कास्ट, ये कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम आप देखो, सबसे पहले वो कीवर्ड क्या था वो मैं देख लेता हूं। आपको ओवरव्यू में जाना है, ओवरव्यू में जाने के बाद ऑर्गेनिक सर्च पे जाना है, ऑर्गेनिक सर्च के नीचे आपका सारा डिटेल आ जाएगा। ये देखो ये इनका कीवर्ड है। अब दोस्तों मैं इस कीवर्ड को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसका डिटेल निकालने जा रहा हूँ। ये आप देखो मैडम सर कास्ट, यहाँ पे 20K वॉल्यूम सर्च वॉल्यूम में, ग्लोबल सर्च वॉल्यूम में सेम है। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा और इससे रिलेटेड कीवर्ड्स अगर आप देखोगे हैविंग सेम टर्म कीवर्ड्स, तो यहाँ से आपको कीवर्ड्स पिक करने का भी आइडिया मिल जाएगा, कौन से कीवर्ड्स पिक करके आप उस पर कॉन्टेंट लिख सकते हो, कैसे कैसे कीवर्ड्स का, यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह भी आप ऐड कर सकते हो अपने कॉन्टेंट में, कैसे क्वेश्चंस लोग पूछते हैं न्यूली डिस्कवर्ड जो है, या फिर क्या क्या डिटेल्स सर्च सजेशन जो है, सर्च सजेशन में आप देख सकते हो मैडम सर कास्ट नेम, यहाँ पे 1.6K वॉल्यूम है। इस तरीके का जो साइट है दोस्तों बहुत ज़्यादा सर्चेबल होता है, बहुत ज़्यादा लोग इसको सर्च करते हैं, और ये इंडिया में ही नहीं बाकी कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा सर्चेज है। ये देखो आप यूएस में 6.8K सर्चेज है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 385 सर्चेज है, यूके में 1.3K सर्चेज है। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, एक आइडिया मिल गया कि सीरियल अपडेट से रिगार्डिंग आप अगर कॉन्टेंट लिखते हो तो आपका कंटेंट रैंक करेगा ही करेगा विद इन 6 to 1 years में। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले कंटेंट लिखने से पहले आपको डोमेन एक लेना है। डोमेन ऐसा होना चाहिए दोस्तों जिससे कि लोग आपके कंटेंट के बारे में ये एज्यूम कर लें कि ये कंटेंट जो है सीरियल्स वगैरह के अपडेट के रिगार्डिंग ही लिखता है। ये जो वेबसाइट है सीरियल्स वगैरह के अपडेट के रिगार्डिंग ही लिखता है, जैसे सीरियल अपडेट्स डॉट मी, ये वेबसाइट, यहाँ पे कोई भी अगर रैंक मीन्स गूगल पे जाएगा और यहाँ पे देखेगा तो ये कलर्स, सोनी टीवी, स्टार प्लस, न्यूज़, इन सब के रिगार्डिंग ये लिखता है। सोनी टीवी पे कलर, स्टार प्लस पे जो अनुपमा आता है उसके रिगार्डिंग इन्होंने लिखा है, स्टार प्लस का टैग भी आप देखोगे। बिग बॉस मलयालम में इन्होंने लिखा है, एशिया नेट के रिगार्डिंग, स्टार प्लस का अनुपमा के रिगार्डिंग इन्होंने लिखा है, कलर्स पे बिग बॉस 14 के बारे में इन्होंने लिखा है, विजय टीवी पे सुपर सिंगर 8 जो आता है उसके बारे में लिखा है। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, जितने भी अलग अलग चैनल्स पे जो सीरियल्स आते हैं उसको सीरियल्स पे अपने अपने लैंग्वेज में ईजी लैंग्वेज में, जिससे कि ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो, उस लैंग्वेज में ये लिख के यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। और इसमें आपको सबसे बड़ी बात, अगेन मैं बोल रहा हूँ, इस पर कॉन्टेंट की आवश्यकता नहीं है, आपको जो सीरियल आप देखोगे सेम उसी सीरियल को अपने लैंग्वेज में आपको लिखना है, अपने वर्ड्स में लिखना है, जिससे कि ईजिली ये अंडरस्टैंडेबल हो। और यहाँ पे जितने भी हैं क्लिक्स वगैरह आएंगे, बहुत ज़्यादा क्लिक्स आएंगे, अपने एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह भी आप ऐड कर सकते हो इस पर, और तुरंत आपको इस पर कॉपीराइट्स कंटेंट वगैरह का भी इशू नहीं होगा, क्योंकि आप इस पर कंटेंट अपना नहीं लिख रहे, आप सिर्फ ईजिली आप ऐसा लिख रहे हो कि यूजर्स आपके कॉन्टेंट को आसानी से समझ सके। यहाँ पे देखो दोस्तों, और इसके साथ साथ आप धीरे धीरे फिर अपने वेबसाइट को दूसरे इंडस्ट्री में भी मोड़ सकते, जैसे रियलिटी शो हो गया, ऑडिशंस हो गया, विकी हो गया, विकी बायो में आप अलग अलग जो फेमस पर्सनालिटीज़ के विकीज होते हैं, विकी होता है तो उसके रिगार्डिंग आप लिख सकते हो, उसके रिगार्डिंग आप कंटेंट ऐड कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको कॉपी कंटेंट का इशू नहीं आएगा, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, कोई अगर आप कमला हैरिस के बारे में लिख रहे हो तो कमला हैरिस का नाम कमला हैरिस ही रहेगा, उनका एज जो है सेम रहेगा, आप लिखो या कोई और लिखे सेम ही रहेगा,
ये आप कभी नहीं लिख सक, मीन्स कोई आप पे क्लेम नहीं कर सकता कि नहीं उसने पहले लिखा है, आपने बाद में लिखा है, तो आपका कंटेंट जो है उससे कॉपी, ऐसा कोई भी यार क्लेम नहीं कर सकता है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जब सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है सीरियल अपडेट से, सीरियल अपडेट्स के बाद आप धीरे धीरे दूसरे आप नीश में भी ऐड कर सकते हो अपने कंटेंट को, मल्टी नीश साइट बना सकते हो और उससे अर्निंग अच्छा खासा आएगा। इसलिए अर्निंग आएगा क्योंकि ये एक सिंगल कंट्री में सर्चेबल नहीं है, सारे कंट्री में लोग सर्च करते हैं और सारे कंट्री से लोग इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब इससे आपको एक निष्कर्ष निकला कि सीरियल अपडेट्स के रिगार्डिंग, और मैंने ये भी बता दिया कि कहाँ से आप कीवर्ड्स वगैरह भी सर्च कर सकते हो, AHREF वगैरह आप यूज कर सकते हो या सेमरस टूल्स है, सेमरस पे आप यूज कर सकते हो। और उसके साथ साथ आपके कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानने के बाद कॉम्पिटिटर्स का कौन सा वेबसाइट कहाँ पे रैंक कर रहा है, कौन से कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख के और उसके रिगार्डिंग ही कॉन्टेंट लिखना स्टार्ट कर दो। और इससे इसके बाद आप यार ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने आपको मेहनत करना है, जमकर मेहनत करना है, और मेहनत करने के बाद आप देख सकते हो इसका रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपको हमेशा लाकर देता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों चैनल पर बने रहने के लिए।